Hello guys, you are watching my channel Raza, Unplugged और ये शादी की shopping वाला vlog होने वाला है। हम आ चुके हैं चांदनी चौक मार्केट और भाई चांदनी चौक मार्केट ऐसा हो चुका है जैसे हमारे लिए दूसरा घर। आए दिन हम मुंह उठा के चांदनी चौक मार्केट में आ जाते हैं और ये रहे सैफ भाई। हाँ जी भाई, कैसे मजा आ रहा है आपको शॉपिंग करने में? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमारी शॉपिंग अभी कुछ भी नहीं हुई, अभी इन्हीं की कंप्लीट नहीं हो रही जो हम अपनी स्टार्ट करें, लेकिन कल हम अपनी शॉपिंग करने जाएंगे। कल का ब्लॉग भी हम बनाएंगे, मतलब ब्लॉग ये आपको देखने के लिए बाद में मिलेगा। आज तुम चांदनी चौक शॉपिंग के लिए आए भाई? हम नहीं आए, इन्हें आए हैं, हम तो इनके केयर टेकर हैं। ये भाई ड्राइवर है, ये हमें केयर टेकर के कहीं कोई खोई ना जाए। तो भाई इनका तो पता भी नहीं चलता कब कौन सी गली में मुड़ जाते हैं। अभी तो सामने ही है, लेकिन भाई बिना बोले कहीं घुस जाते हैं। यार देखते क्या करते, अभी करते हैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू। नंबर वन कंटेस्टेंट, नंबर टू कंटेस्टेंट, नंबर थ्री कंटेस्टेंट, नंबर फोर चारों चल रहे हैं, पांचवा मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे ही हमारे घर वालों ने किसी की नहीं सुनी, हम दोनों पागलों की तरह, मतलब पहले हम उस साइड थे, अब हम इस साइड आ गए। उस साइड कुछ था नहीं, मैं बोल रहा था इन्हें उस साइड मार्केट ही नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें दिमाग है ना, वो थोड़ा ओवर चलाने की आदत है, तो उस साइड चलते रहे। अब भाई जब कुछ नहीं मिला फिर हम इस साइड ला के पटक गए, मतलब इतना देर पैदल चलवाया क्यों, क्या कुछ सेंस था इस चीज़ में? कुछ सेंस था कि हम उस साइड चले, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, घूम फिर के इधर ही आए। मतलब जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते ले गए, जिस रास्ते जाना था उस रास्ते जा रहे हैं, वो भी बहुत उससे बताओ क्या कहते कि कोई नहीं क्या होगा, थोड़ा सा चलना ही तो पड़ेगा। अरे भाई थोड़ा सा चलना पड़ेगा, तुम ये तो देखो थोड़ा सा चलना पड़ेगा चांदनी चौक में आके, थोड़ा सा दो तीन किलोमीटर थोड़ा सा होता है चांदनी चौक में आके चलना, मतलब। अब फाइनली हम आ चुके हैं चांदनी चौक की नई सड़क पे, यहाँ हमें जाना था और हम घूम रहे थे कृष्णा मार्केट में चांदनी चौक की, लेकिन हमें जाना था नई सड़क, तो अब चलते हैं नई सड़क पे। ये देखो ये भाई यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ देख रहे हैं भाई। हम दोनों शूज़ पहन के आ गए, वो तो स्लीपर पहन के आए, वो बार बार भाग जाते हैं फटाक से अंदर, और हम यहाँ बाहर वेटिंग में खड़े हैं क्योंकि शूज़ उतार वेलकम। हम बेफालतू में भाई पहले शूज़ उतारे फिर पहने, क्या फायदा, और दोनों ही वाइट शूज़ पहन के आ गए। यहाँ के लोगों ने ऐसे ऐसी मार दी, हमारे वाइट शूज़ ब्लैक कर दिए, और कुछ नहीं यार, अब पसंद आना चाहिए, इतने की देर हो गई घूमते घूमते, गर्मी भी लग रही है। देखते हैं, वैसे मैं बताऊँ एक बात, पसंद कुछ नहीं आएगा, शॉप पे से खाली हाथ वापस जाने चले भाई थे। ये आते रहेंगे, हम चल रहे हैं भाई, क्योंकि ये है सातवीं आठवीं शॉप जिसके अंदर जा रहे हैं वापस आ रहे, जा रहे हैं वापस आ रहे हैं। अरे भाई जिस पे तुम्हें बाहर से पसंद नहीं आ रहा उसके अंदर जाए क्यों रहे, मत जाओ ना, देखो लाइटिंग बड़ी अच्छी वाली। अब एक सीख हमने ली कि अब जब भी मार्केट आएंगे चप्पल पहन के जाऊँगा, क्रॉक्स, शूज़ पहन के नहीं जाऊँगा यार, मैं शूज़ भी उतरवा देते हैं यहाँ पे, बताओ यार कुछ बात है। अभी हम ले रहे हैं इसके लिए कपड़े, क्या हुआ भाई क्यों समझ नहीं आ रहा? कुछ नहीं मिल रहा, मतलब इतनी सारा, जब हमने लाल दुकान पे गए थे ना उस पर भी कहा था ना इन्हें कुछ समझ नहीं आया, वैसे ही कुछ समझ नहीं आया, और उस पर से ये निकल गए खाली हाथ, और अभी ये पीछे से ले रहे हैं यहाँ से ये पैकिंग कवर। सैफ भाई आगे चले गए, रुक जाओ उनके पास लेके चलते हैं, इन्हें तो कुछ समझ नहीं आया भाई, ये पूरी मार्केट घूम ली हमने, नई सड़क कम्प्लीट हो चुकी है, ये जो जिसमें चल रहे नई सड़क है ये, और कृष्णा मार्केट में तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, यही तो है वो, हाँ कार्ड वाले दिन जिस दिन आए थे, यही तो है ये, कुछ पता सा था नहीं, पर तू क्या सोचती थी पराठे वाली गली, नहीं पराठे वाली गली से पराठे की याद आ गई, भूख लग गई। बाकी अभी देखते भाई यहाँ तो देखो जाम लगा पड़ा है, हम यहाँ खड़े ना, इन्हें लिया नहीं लिया पता नहीं, ले लिया। दो जगह से और निराशा हाथ लेते हुए हम बढ़ चुके हैं आगे चांदनी चौक में, हमें और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, लेकिन जाम भरपूर मिल रहा है, इतना भयंकर जाम मिल रहा है जिसकी कोई हद नहीं, और लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और भाई अब देखते हैं कहीं जाते हैं कुछ मिलता है नहीं, दोनों भाई हम थक चुके हैं टाई टाई फिस, और इन्हें मज़ा आ रहा है दुकानें देखने में। हो कपड़े तो मिले नहीं, तो हमने यहाँ पे ले लिया अनानास, पाइन एप्पल ले लिया भाई, दोनों भाई हम ये खा रहे हैं, इन्हें खाने की लग रही है छोले कुलचे। मैं कह रहा हूँ चांदनी चौक के छोले कुलचे ही मत खाना, चाहे कुछ खा लेना, फ्रूट्स वगैरह खा लो, चिल्ला मतलब चिल्ला कह रहा हूँ क्या कहते हैं उसे, भुट्टा कॉर्न वो खा लो, बट छोले कुलचे वगैरह मतलब स्ट्रीट फूड यहाँ का। सीधे भाई सीधे गए, हमारे साथ ही खो चुके हैं क्योंकि हम ये देख खाने के लिए रुक गए, उन्होंने तो हमें देखा ही नहीं, तो चलते गए सीधे चलते गए, मतलब वो कहीं नहीं देख रहे, वो सीधा अपनी दुकान दुकान में देखते हैं चले जाते हैं भाई। मतलब एक दो मिनट की देरी हुई होगी कि हमने वो लिया, एक मिनट भी नहीं प्रॉपर,
वहां से वीडियो बना दी ठीक है। और भाई ये इतने में एक दुकान के अंदर चले गए क्यों भाई ठीक है। और इस दुकान पे से भी ये खाली हाथ वापस आएंगे, मेरे से लिखवा के ले लो। अभी तक एक भी दुकान ऐसी नहीं मिली इनके जिनपे इन्हें कुछ समझ आया हो, इन्होंने कुछ लिया हो, बस जा रहे हैं देख रहे हैं बना रहे हैं बाहर। पता नहीं लेंगे कब सामान, आज लेके जाना है घर, आज डेडलाइन दी है घर वालों ने, आज लेके आ जाना सारा कुछ। तो पता नहीं अब लेंगे नहीं लेंगे, अभी तक गए मैं शोरूम के अंदर, समझ नहीं आ रहा भाई। मतलब एक मिनट भी ना छोड़ नहीं सकते, वरना कहाँ निकलता है कुछ नहीं पता। इनका भीड़ ऐसे लग रही है जैसे फ्री में बट रहा भाई। अभी मैंने देखा एक ना प्लेट लेके जा रहा, मुझे लगा कि भंडारा रहा, देखा क्या रेस्टोरेंट था भाई, उस प्लेट में खाना बट रहा, मैं सोच रहा है भंडारा बट रहा था, एक प्लेट मैं भी ले लेता भाई। फाइनली बहुत घंटों के बाद एक शॉपिंग कर ली है। ये ब्राइड सॉरी ब्राइड टू बी, पीछे हमारी मम्मा, पीछे सैफ भाई, आगे जिसके लिए बॉस वो रही। यहाँ पे ना हमने इतना ज्यादा खाली घूम लिया था कि हमें कुछ समझ लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे जो सेल्समैन वगैरह घूमते रहते ना, तो उसे एक भाई को बड़ा अच्छे से उसे वो हमें लेके गया शॉप पे, उसने भाई हमें शॉपिंग करवाई मोती बाजार ठीक है। तो भाई उसने हमें शॉपिंग कराई और फाइनली जिस टाइप की इसे ड्रेस चाहिए थी ना, इसे वैसी से ड्रेस मिल चुकी है, पसंद आई जी। चलना है आगे दुकान पे और शॉपिंग करनी है। मौसम तो खराब हो ही रहा है, देखो भाई मौसम ऐसा हो रहा है, पता नहीं ये ब्लॉग कब आएगा। नवंबर से पहले आएगा ये ब्लॉग ठीक है, बस इतने ही है। नवंबर में बारिश नहीं, ऊपर एसी का पानी टपक रहा। तो भाई अभी हम चल रहे हैं और ड्रेसेस देखने, रेडीमेड छोटे गाउंस वगैरह नहीं देखने, तो वही देखते हैं। फाइनली गाइज हमारा काम हो चुका है लाजपत के नाम, लाजपत तो हम कल जाएंगे। चांदनी चौक से भाई इसकी ड्रेस लेनी थी, इसकी ड्रेस ने मगजमारी कर रखी थी इतने दिन से, अब फाइनली इसकी ड्रेस तो हो चुकी है कम्प्लीट। और अब हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं, घर चलते हैं। और ये शादी बस ये व्लॉग यहीं पे एंड कर दो, शादी वाला नहीं, 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 अरे हाँ चांदनी चौक में होते हुए इसकी शॉपिंग और क्या करेंगे, अब कल लाजपत वाला बनाएंगे, कंटेंट निकाल देंगे सारा। तो भाई अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे, करते आपको पसंद आएगा। और शादी के ऐसी अमेजिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, शादी के व्लॉग्स भी आने वाले हैं, शादी शॉपिंग के व्लॉग्स भी आने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, स्टे ट्यून्ड, बहुत मजा आने वाला है आगे वाले कॉन्टेंट में। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।